आईपीएल की तर्ज पर गेवरा में खेले जा रहे गेवरा प्रीमियर लीग 2020 स्पर्धा का तीसरा सीजन गेवरा स्टेडियम में खेला जा रहा है। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में सोलंकी टाइटंस ने प्रगति लायंस को 35 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधारे शरद तिवारी, महाप्रबंधक LNR SACL मुख्यालय बिलासपुर ने विजेता टीम सोलंकी टाइटंस को 75,000 रुपए नगद एवं चमचमाती मोमेंटो कप देकर पूरी टीम को सम्मानित किया। फाइनल मैच और पूरे सीरीज में बेहतर खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी दुर्गेश साहू को मैन ऑफ द मैच एवं मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आयोजन जो है बहुत अच्छा था। आके यहाँ एक सुखद अनुभव मिला कि आजकल के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी कर रहे हैं और खेलकूद शारीरिक विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए दोनों के लिए अपरिहार्य है। खेलकूद शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास को भी बढ़ाता है और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को ध्यान रखें और बाहर खेल कूदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्रयास और समस्त जो इंटरनेशनल मापदंड है उसके साथ में जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा एक अच्छा दिशा देगा हमारे बच्चों को और जो शुरू से ही वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ यदि खेलना चालू करेंगे तो वो निश्चित तौर पे आगे विश्व की समस्त प्रतिभाओं में प्रतियोगिताओं में खड़े उतरेंगे।